मुझे याद आ रहा था पिछले साल 8 नवंबर की वो रात, जिस दिन हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अनाउंसमेंट किया था। याद है सभी को कौन सा अनाउंसमेंट किया था? नोटबंदी। किस पर्पज को लेके हुआ था वो? काले धन को सफेद करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि वो रात ऐसी थी कि भारत ही नहीं, पूरा विश्व नहीं सोया था उस दिन। जिसके पास 500 रुपए थे वो भी शायद नहीं सो पाया था, 500 रुपए के लिए भी चिंतित था उसका क्या होगा। हालांकि यहां की गवर्नमेंट ने तो हमें बहुत लंबा टाइम भी दिया था, कुछ मार्जिन भी दी थी। आज गहराई से हम सोचेंगे, ये तो यहां की गवर्नमेंट का एक अनाउंसमेंट था जो इतने दिन तक हलचल मच गई भारत में। जिस दिन ऊपर वाली गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट होगा, जिस दिन वो काले कर्मों का और सफेद कर्मों का हिसाब लेगा, उस दिन क्या होगा? यहां तो मार्जिन मिली थी, टाइम मिला था, लेकिन वहां एक सेकंड का टाइम नहीं मिलेगा, एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आज की संध्या काल से हम ये अपने आप व्यक्तिगत रूप से प्रण लेंगे कि आज से मेरे कर्म सफेद होना शुरू हो जाएं, ताकि जब मैं ऊपर वाले के पास पहुंचूं तो सर झुका करके नहीं, बेचारों की तरह नहीं, लाचारों की तरह नहीं, मुजरिमों की तरह नहीं, जब ऊपर वाले के पास पहुंचूं तो ऊपर वाले को भी शान हो कि मेरा वास्तव में लाल आया है, कुछ करके आया है, निठल्ला या खाली हाथ नहीं आया है सृष्टि से, भेजा था तो कुछ कमाई करके आया है। दुनिया में तो कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। ठीक है, ये धन संपत्ति हमारे साथ नहीं चलेगी, लेकिन जो धन संपत्ति हमारे साथ चलेगी और हमारे साथ जन्मों जन्मों तक रहेगी, वो भी कमाने का वक्त यही है। हम कुछ नेक कर्म किया करें, कुछ दुआएं प्राप्त किया करें, यह हमारी सबसे असली पूंजी है, नेक कर्म। अपने मन को जिस दिन हम सफेद बना लेंगे सारे भारतवासी, उसी दिन उसी क्षण हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। तो हमें अपने मन को सफेद बना करके पुण्य कर्म करने हैं, पाप कर्मों से बचना है। ये सृष्टि का विधान है, अटूट और अटूट है कि यहां कर्म गति से कभी भी कोई भी नहीं बच सकता। हर एक व्यक्ति को अपने कर्म का परिणाम भोगना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। इसीलिए हम आज से ही अलर्ट हो जाएं, जो हो गया जाने अनजाने में, अभी भी मौका है, हम फॉरगिव फॉरगेट कर दे, क्षमा याचना मांग ले मन ही मन, अपने भगवान के सामने बैठकर अपनी गलतियों को रियलाइज करके, जिनको भी हमारे से कष्ट पहुंचा हो, तकलीफ पहुंची हो, दुख पहुंचा हो, हम मन ही मन भगवान को साक्षी रखते हुए सच्चे हृदय से स्वेच्छा से सर झुकाकर क्षमा याचना कर ले। हे मनुष्यात्माओं, अगर मेरे से जरा भी तुम्हें कष्ट दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ करो, क्षमा करो। और यदि मेरे को किसी ने कष्ट पहुंचाया हो इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, तकलीफ दी हो, टॉर्चर किया हो, मेरा हक अधिकार छीना हो, मेरे साथ विश्वासघात किया हो, धोखा किया हो, मेरा सब छीन लिया हो, लूट लिया हो,
तो बदले की आग में जलने से बेटर है कि मैं चित्त को शांत करूं और बड़ा नेक काम करूं, ऐसी आत्माओं को भी अपने दिल से सच्चे मन से क्षमा कर दूं, माफ कर दूं। क्योंकि ये सृष्टि का नियम है, ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है, आप जो दोगे वही मिलेगा। आप रात होने से पहले अपने गुनाहगारों को माफ कर दीजिए व्यक्तिगत रूप से, सुबह होने से पहले भगवान भी तुम्हें क्षमा कर देगा तुम्हारे गुनाहों में। जो दोगे वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर हम छोटी छोटी बात में अपने मन को क्रोधित रखेंगे, ईर्ष्या में जलते रहेंगे, नफरत में जलते रहेंगे, तो आप बहुत कुछ गवा देंगे, अपने चित्त की शांति गवा देंगे, अपने घर का सुख गवा देंगे, संबंधों का सुख गवा देंगे, अपनों को गवा देंगे। इसीलिए व्यक्तिगत तौर पे जो भारत के कानून है, रूल है, वो अपना काम करें, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से क्षमा करती हूं।